26 जनवरी से पहले आर्मी डे पर दिखा शौर्य का पराक्रम। जाबाजों ने जमीन से आसमान तक लिख दी दिलेरी की कहानी। जब गरजने लगी तोपें, जब हवा में गड़गड़ाने लगा हेलीकॉप्टर, और जब जमीन पर डेयर डेविल टीम की पहली बार हिस्सा बनी महिला बाइकर ने दमखम दिखाया, तो गर्व से सबका सिर ऊंचा हो गया। इन्हीं कारनामों का नतीजा है कि डेयर डेविल्स की टीम ने 25 विश्व रिकॉर्ड अपने खाते में दर्ज किए। आर्मी डे पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी, साफ कह दिया कि घुसपैठ का जवाब करारा मिलेगा। पहली बार होवित्जर तोप को आर्मी डे के मौके पर शामिल किया गया। हाल ही में भारतीय सेना के तोपों के बेड़े में शामिल हुई K9 वज्र और MM777 की झलक देखने को मिली। मेक इन इंडिया के तहत तैयार सरफेस माइंस क्लियरिंग सिस्टम को भी दिखाया गया। 71वें सेना दिवस के मौके पर सेना देश और दुनिया के सामने अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इस बार खास तौर से सेना की इस परेड में कई नए हथियार हैं। तोपखाने की बात की जाए तो ये पहली बार M777 होवित्जर जो तोप है अमेरिका से मंगाई गई है खास तौर से, और मेक इन इंडिया के तहत भारत में तैयार की जा रही है। और इस M777 होवित्जर तोप की बात की जाए तो ये अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल कर रही है। बहुत हल्की तोप है, हेलीकॉप्टर से आने वाले दिनों में चिनूक जो हेलीकॉप्टर होगा उसकी मदद से एक जगह से दूसरे जगह ले जाई जा सकती है। 23 साल बाद भारतीय सेना की सप्लाई कोर टीम भी इस परेड का हिस्सा बनी, जिसे लीड एक महिला लेफ्टिनेंट ने किया। दिल्ली कैंट में शौर्य के साथ शांति का भी संदेश आर्मी डे की परेड की झांकियों में देखने को मिला। लेकिन जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ रहना है तो हमारी सेना को और हाईटेक बनाना होगा, जिसके ब्लूप्रिंट पर सेना प्रमुख इन दिनों तेजी से काम कर रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।